दोस्तों, जब भी बात आती है देश की सुरक्षा की, तो हम भारतीयों के दिलों में गर्व की भावना उमड़ पड़ती है। हमारी वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत को न केवल सुरक्षित रखा जा सके, बल्कि उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में भी खड़ा किया जा सके। आज हम आपको एक ऐसी ही अत्याधुनिक तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार की जा रही है। इस तकनीक का नाम है शस्त्र, और यह रडार सिस्टम वह चमत्कार है जो हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा। यह कोई आम रडार नहीं, बल्कि स्टेल्थ तकनीक को मात देने वाला भारत का सबसे गुप्त और शक्तिशाली हथियार बनने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, और इस पर गर्व करते हैं कि कैसे हमारा देश एक बार फिर से दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सबसे जरूरी बात, हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पिछले एक महीने से फैली हुई चिंता को खत्म कर दिया है। खबर यह है कि भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली रडार सिस्टम पर काम कर रही है। इस रडार का नाम शस्त्र रखा गया है। शस्त्र का उद्देश्य है स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करना, जो दुनिया की सबसे उन्नत और खतरनाक तकनीक मानी जाती है। यह रडार सिस्टम विशेष रूप से पाकिस्तान के J-31 स्टेल्थ विमान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पायलट्स इस समय चीन में J-31 विमान की ट्रेनिंग ले रहे हैं। J-31 चीन का स्टेल्थ विमान है, जो अमेरिका के F-45 जैसा ही ताकतवर है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अगले साल से पाकिस्तान को यह विमान सप्लाई करना शुरू कर देगा। इस खबर ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सवाल उठता है कि शस्त्र रडार युद्ध के दौरान कैसे काम आएगा और इसके क्या क्या उपयोग होंगे। तो आइए इस रडार की विस्तृत क्षमताओं और इसके युद्ध में उपयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। शस्त्र रडार का सबसे प्रमुख कार्य स्टेल्थ विमानों की पहचान करना है। वर्तमान में स्टेल्थ तकनीक का उपयोग कर बनाए गए लड़ाकू विमान, जैसे कि पाकिस्तान का J-31 या चीन का J-20, पारंपरिक रडार की पकड़ में नहीं आते, लेकिन शस्त्र रडार को इस चुनौती का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग और हाई रेजोल्यूशन सेंसर इसे स्टेल्थ विमानों की पहचान में सक्षम बनाते हैं, चाहे वे किसी भी दिशा या कोण से आ रहे हों। शस्त्र रडार की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग क्षमता। यह रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जिससे एक ही समय में कई स्टेल्थ विमानों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यह विशेषता युद्ध के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जब एक से अधिक दुश्मन विमान भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। शस्त्र रडार न केवल स्टेल्थ विमानों की पहचान करने में सक्षम है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रडार की क्षमताओं का उपयोग दुश्मन के संचार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित करने के लिए किया जाता है। शस्त्र रडार दुश्मन के विमानों के संचार को जाम कर सकता है, जिससे उनकी लड़ाई की क्षमता कमजोर हो जाती है। युद्ध के दौरान दुश्मन केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि मिसाइलें भी लॉन्च करता है। शस्त्र रडार की उच्च रिजोल्यूशन क्षमता इसे दुश्मन की मिसाइलों की पहचान करने में सक्षम बनाती है, चाहे वे कम ऊंचाई पर उड़ रही हों या उच्च गति से आ रही हों। यह रडार उन मिसाइलों की ट्रैकिंग और उनकी दिशा का पता लगाने में सक्षम है, जिससे उन्हें समय रहते नष्ट किया जा सकता है। शस्त्र रडार की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना दुश्मन के हमलों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया कर सकती है। रडार द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग करके हमारे लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को निष्क्रिय करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह भारतीय सेना को दुश्मन के हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता देता है। शस्त्र रडार की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी लंबी दूरी की निगरानी क्षमता है। यह रडार कई 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है। यह क्षमता भारतीय सेना को समय से पहले दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाने की सुविधा प्रदान करती है। शस्त्र रडार का उपयोग न केवल युद्ध के दौरान, बल्कि शांति के समय भी किया जा सकता है। यह रडार भारतीय हवाई क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह किसी भी अवांछित विमान या ड्रोन के प्रवेश की निगरानी करेगा, जिससे भारतीय हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।
माना कि युद्ध के दौरान दुश्मन ने अचानक से कई स्टेल्थ विमानों को भारतीय सीमा की ओर भेज दिया। ऐसे में शस्त्र रडार तुरंत ही इन विमानों की पहचान कर लेगा और भारतीय वायुसेना को अलर्ट कर देगा। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान इस जानकारी के आधार पर त्वरित प्रतिक्रिया देंगे और दुश्मन के विमानों को मार गिराएंगे। इस प्रकार शस्त्र रडार न केवल एक रक्षा प्रणाली के रूप में बल्कि एक निर्णायक हथियार के रूप में भी कार्य करेगा। दोस्तों, शस्त्र रडार सिस्टम के विकास से भारत एक और कदम आगे बढ़ा है जो हमारी सुरक्षा और ताकत को और भी मजबूत करेगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने रक्षा बलों को सबसे बेहतरीन अटैकिंग वेपन्स से लैस करें ताकि हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें बल्कि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही खत्म कर सकें। भारत की वायुसेना को और भी मजबूत बनाने के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। यह समय है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और इसे और भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके 10 लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।